Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy hai. Dosto, aaj main start karne wale apne paas chapter number 13, Insurance in India. Iski hum ek class le chuke hain jiske andar maine aapko definition aur insurance industry kya hota hai ye aapko bata diya tha. Aaj ki class ka jo hamara target hai, ek chhota sa topic hai, that is AICIL. Kya hota hai main aapko abhi detail mein bataunga. Lekin is concept ko padhne ke liye jo AICIL hai na, dekho ye wala topic yahan par de rakha hai, theek hai? Ye raha. Ab isko padhne ke liye pehli baat to ye hai ki aapko piche wale topics pata hone chahiye. तो मैं ये मान के चला हूँ आप रिवीजन करके बैठे हो, बट स्टिल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको छोटा सा एक रिवीजन दे देता हूँ फर्स्ट क्लास का, जिससे कि आपको AICIL पढ़ने में आसानी हो. ठीक है, चलो एक बार रिवीजन दे देता हूँ मैं आप लोगों को. हमने ये पढ़ा था इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है. तो हमने देखा था इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी के नुकसान की क्षतिपूर्ति करते हो, उसको इंडेमनीफाई करते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस. कोई भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करा सकते हो. आज के डेट में तो अपनी लाइफ का, अपनी हेल्थ का, अपने खाने का, अपने पीने का, अपने वॉइस का, अपने फेफड़ों का, लीवर का, किसी का भी आप इंश्योरेंस करा सकते हो आज की डेट के अंदर. असल में इंश्योरेंस का मतलब ये कभी नहीं होता कि जो चीज़ चली गई वो वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं होता. बल्कि उस चीज़ के जाने के बाद जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को ना होने दिया जाए, उसको रिकवर करवा दिया जाए, उसको इंडेमनीफाई कर दिया जाए, इसके लिए हम इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं. अब अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमारे पास सिर्फ दो ही इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, एक तो लाइफ के लिए और एक आपकी जनरल चीज़ों के लिए. तो जब हम लाइफ की बात करते हैं यानी लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसकी जो मेन कॉर्पोरेट बॉडी है उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC. और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में जो मेन अथॉरिटेटिव बॉडी है, दैट इज GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस है इसको नेशनलाइज किया गया था 1956 के अंदर, और जो कि जनरल इंश्योरेंस है उसको नेशनलाइज किया गया था 1971 के अंदर. सर, ये नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? वैसे मैं बता चुका हूँ बट एक बार फिर बताता हूँ. जब प्राइवेट सेक्टर में मेजोरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट अपनी ले लेती है तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन. जबकि प्राइवेटाइजेशन ठीक इसका अपोजिट होता है कि गवर्नमेंट कंपनी अगर अपने आप को बेचना चाह रही है प्राइवेट सेक्टर को, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. तो आपके लिए ये दोनों के दोनों ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि LIC का नेशनलाइजेशन कब हुआ था 1956 के अंदर और GIC का नेशनलाइजेशन कब हुआ था 1971 के अंदर. अब बात करते हैं सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करने के पीछे क्या रीज़न था. तो रीज़न सबसे बड़ा ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं हर किसी की लाइफ को हम सिक्योर कर सकें, यानी उनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स क्या करवाएं, प्रोवाइड करवाएं, और उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करवाएं और उनको एक हैबिट डलवाएं कि सेविंग करना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है. आई बात समझे? यस सर. जब हमने GIC को नेशनलाइज किया तो उन दिनों पर इसकी कई सारी होल्डिंग कंपनियां थी. टोटल 4 होल्डिंग कंपनियां जिनके नाम है नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंश्योरेंस एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंट फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ये 4 इसकी क्या है टोटल आप कह सकते हो होल्डिंग कंपनी. लेकिन अब इन सबको होल्ड करने वाली कौन आ गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई है. आई बस सुने, ये सारे टॉपिक हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे. मैंने इसलिए रिवाइज करा दिया जिससे कि अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी और अगर देखी और बिना रिवीजन का आप इस क्लास में आए हो तो आपको दिक्कत ना हो. ठीक है, अब अगर आप जब पढ़ोगे ना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AICIL, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी. इसी वजह से मैं आपका बेस डेवलप कर देता हूँ. ठीक है, चलो आते हैं अपने पास AICIL पे. अभी AICIL क्या है, आपने एक चीज़ नोटिस की कि अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस. क्या कहीं भी एग्रीकल्चर की बात हुई? हाँ सर, आपने एग्रीकल्चर की तो बात नहीं की, आपने हेल्थ की बात कर ली थी, आपने वॉइस की, फेफड़ों की, कोरोना की, सब की बात कर ली थी, लेकिन कहीं भी एग्रीकल्चर की बात नहीं की गई. तो व्हाट अबाउट द फार्मर्स? ये बताओ, फार्मर अपनी अपनी क्रॉप को उगा रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है. पहले वो अपनी कमाई हुई क्रॉप को एक बार में लगा देते हैं, मतलब जो भी उनके पास पैसा है वो बीज खाद इत्यादि में लगा देते हैं. इसके बाद जब वो करते हैं, क्या ये श्योरिटी है फार्मर्स के पास कि जो वो उगा रहे हैं वो अच्छी आउटपुट निकलेगी या आउटपुट निकलेगी ही निकलेगी? क्या ये हो पाता है? द आंसर इज नो. मानसून पर डिपेंड करता है कि जो फार्मर ने सोचा क्या उसे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा. सोच के देखो, अगर मानसून नहीं आया या इतना आ गया कि जम के बारिश हो गई तो उसकी फसल तो बर्बाद हो जाएगी, और जब फसल बर्बाद होगी तो जिस एक्सपेक्टेशन से वो बैठा था कि वो अपने घर में फीड करेगा, क्या वो कर पाएगा? द आंसर इज नो. तो ऐसे केस में फार्मर्स को प्रोटेक्शन देना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, और इसी को बोलते हैं AICIL.
मैं रिपीट कर दूं, देखो कोई भी चीज़ होती है आप पढ़ते टाइम ये सोचा करो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, फालतू में थोड़ी कोई चीज़ें बनाई जाती है कि नहीं आपका सिलेबस हम बढ़ा देंगे इसलिए चीज़ें बना रहे हैं, नहीं उसके पीछे रीज़न होता है, तो आप रीज़न और लॉजिक जानने की कोशिश क्या करो। तो मैंने आपको बताया AICIL, इसकी वैसे तो फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि हमने देखा LIC जो है वो इंश्योरर की लाइफ को कवर कर लेता है, GIC बाकी जो चीज़ें उनको कवर कर लेता है, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई भी कंपनी घुसना नहीं चाहती क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में इतना बड़ा सट्टा है, अपने आप में इतना बड़ा रिस्क है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर ये बोलेगी हम इसको रिस्क को इंश्योर कर देंगे तो आप मान चलो भारत में जिस हिसाब की सिचुएशन अभी चल रही है उस हिसाब से LIC या कोई भी कंपनी जो एग्रीकल्चर में आएगी वो डूब जाएगी, क्योंकि उसे पता है फार्मर्स का बहुत लॉस होता है, वो हर एक लॉस को इंडेमनीफाई करने लगी तो वो खुद क्या कमाएगी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया और उसका नाम था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AICIL, और इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब, दिसंबर 2002 के अंदर। तो आपको डेट याद करनी है AICIL कब बना था, 2002 यानी दिसंबर 2002 के अंदर बना था, क्योंकि दिसंबर में मेरा बर्थडे भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 2002 AICIL की क्या है मतलब नींव वाली डेट है कि कब ये बनाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर में क्या देती है, इंश्योरेंस देती है, एग्रीकल्चर में क्या देती है, इंश्योरेंस देती है, और ये फार्मर्स को एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपनी एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस कर पाए, उसका ये हमेशा दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए पता नहीं मुझे मेरी क्रॉप का सही वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, उससे पहले अगर नहीं भी मिली तो हम आपको उसका इंडेमनीफाई करेंगे और आप फोकस करो अपने काम धंधे पे, और इसी कंसेप्ट को नाम बोला गया AICIL। मैं बार बार रिपीट करूँ जिससे फुल फॉर्म आपको याद हो जाए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है ये रिस्पॉन्सिबल है कि जितनी भी एग्रीकल्चर है उन सबको क्या करेगी, इंश्योरेंस करवाएगी, और ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 1999 के अंदर। फिर 2016 के अंदर इस इंश्योरेंस स्कीम में अंदर के अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आया गया और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद है आप लोग बताओ कि कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, वैसे मैंने चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर वाले में पढ़ाया था कि ये जो योजना है ये चलाई गई थी कि जितने भी किसान भाई लोग हैं उनकी फसल को हम इंश्योर करेंगे, कल को अगर उनकी फसल में कोई भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं या फसल सही से नहीं होती है तो एक उनको इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो पे आउट किया जाएगा जिससे फार्मर अपने उस लॉस को क्या कर पाएगा, इंडेमनीफाई कर पाएगा। अब आप समझो ये जितनी भी स्कीम्स है वो किसके अंडर में आती होंगी, AICIL के अंडर में आती होंगी। अब अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो AICIL, अब देखना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि AICIL के बनने से पहले अगर हम एग्रीकल्चर के इंश्योरेंस की बात करें तो वो जिम्मा किसके पास था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, बट आज की डेट में ये जो जिम्मेदारी है वो GIC को दे दी गई, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दे दी गई। क्योंकि आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइफ को इंश्योरेंस एक जनरल। अब हमने क्या किया कुछ टाइम पहले ही एग्रीकल्चर को GIC में डाल दिया, वरना एग्रीकल्चर के लिए कौन अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अब हमने ये जिम्मा किसको दे दिया, जनरल इंश्योरेंस को। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, अब आप ध्यान से पढ़ना कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले किसकी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, इसके बाद हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसको दे दिया, GIC को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दे दिया। अभी जो AICIL है ये जॉइंटली मतलब पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस से मिलकर बनाई गई है और डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अगर हम आज की डेट में बात करें AICIL का, अगर मान लो 100% शेयर है तो उसके अंदर किसका कितना होल्डिंग है, तो GIC ने अपना 35% पैसा लगाया हुआ है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना कितना पैसा लगाया हुआ है, 35% पैसा लगाया हुआ है, और नाबार्ड ने 30%। अच्छा नाबार्ड की फुल फॉर्म जानते हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर की सुप्रीम या कह लो एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, और नाबार्ड ने कितना लगाया हुआ है, 30% लगाया हुआ है, और चार अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने 8.75% ईच लगाया हुआ है, मतलब एक कंपनी ने 8.75 मल्टीप्लाई कर दो चार से, समझ जाओ इन चारों ने मिला के लगाया। कुल मिला के अगर मैं आपको ये समझाना चाहता था कि AICIL जो है इसको किस किसने स्पॉन्सर किया है, किस किसने अपना पैसा लगाया, तो GIC ने कितना लगाया, 35%, नाबार्ड ने कितना लगाया, 30%, और बाकी जो है कुछ कितनी थी ये बताओ, वाइल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जो कि कितनी थी टोटल, चार, उन सब ने ईच कितना लगाया, 8.75 ईच मल्टीप्लाई चार से कर दो, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया, अब ये काम करते हैं जितना आपको पढ़ा है ना इसको पहले समराइज वे में बता दूं फिर आपको आगे बात करता हूं, ठीक है। चलो पहले इसकी समराइज वे पढ़ लो जैसे आपको चीज़ें समझ आ रहे हैं, ये नोट्स मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। आओ ये देखो AICIL, ठीक है, एग्रीकल्चर AICIL, मैंने जी बोल दिया था ना गलती से, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, ये इंश्योरेंस सेक्टर
है एग्रीकल्चर का, जिसको किसने सेटअप किया गया, AICAL के द्वारा, जो किसके द्वारा बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब, दिसंबर 2002 के अंदर। ये बेसिकली क्या करता है, ये सर्व करता है उन सभी फार्मर्स को जो चाहते हैं अपनी फार्मिंग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से करना और फार्मिंग को एक लेवल पे पहुंचाना। तो ऐसे फार्मर्स की फार्मिंग को इंश्योरेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2002 दिसंबर में क्या सेटअप किया, AICAL को सेटअप किया गया। AICAL जो है वो पब्लिक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। इसका अगर 100% शेयर है तो उसमें से जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 35% शेयर खरीदा हुआ है, नाबार्ड ने 30% और 4 सब्सिडियरी ऑफ GIC जो है उन्होंने खरीदा हुआ है 8.75% ईच। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो 4 सब्सिडियरी या 4 होल्डिंग कौन सी थी GIC की, मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप कमेंट करके बताना, बाकी जिन्होंने कमेंट करना होगा उन्होंने वीडियो पॉज करके कर दिया होगा, बाकी मैं बताता हूँ। 4 थी आपकी नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरी थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 थी, इन्होंने 8.75% ईच खरीदा हुआ है। ठीक है, चलो आई होप आपको AICAL जो है वो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट आता है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या हमारे पास पब्लिक सेक्टर भी इंश्योरेंस कंपनी है? अरे हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। तो लिखा हुआ है एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर टोटल 6 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स हैं। मतलब ये कि जैसे प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारे हैं, बट जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो अभी 2021 के डेटा के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 6 ही कंपनियाँ हैं। ठीक है, जिसमें से आप ये मान के चलो कि एक तो आपका LIC ही हो गया। ठीक है, 6 में से कौन हो गया, एक तो आपका, मैं बात पता है क्या कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं AICAL की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल फिगर की बात कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस कितनी कंपनियाँ हैं। तो टोटल कितनी है, 6। आप एक तो समझ जाओ LIC है, दूसरी समझ जाओ GIC है ना। चलो पढ़ते हैं एक बार, उसने कहा आउट ऑफ डील LIC एक है और 4 आपको पता है ना, 4 मैंने भी आपको बताया था ना, वो 4 कौन कौन सी है, चलो यार मैं आपको बताता हूँ, ये देखो LIC एक, जनरल इंश्योरेंस 2 और ये 4, कितनी हुई, 6 हुई। क्या आपको दिक्कत हुई, 6 ही तो कंपनी है हमारे पास, 1, 2 और ये 4, 6 होगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंकों में कितनी है इंश्योरेंस कंपनी है, 6 हैं टोटल, जिसमें एक तो LIC होगी और 4 वो होगी जनरल इंश्योरेंस के जो सेगमेंट्स हो गए और एक आपकी एग्री इंश्योरेंस AICAL हो गया और GIC तो मैंने आपको बता ही दिया, समझ आया ये पॉइंट। ठीक है, कुल मिला के 6 हो गए आपकी, क्लियर है यहाँ तक। तो बस अभी आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना था, छोटा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए अलग वीडियो बना दे, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, बाकी अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ से आपको सारे की सारे जो भी ये नोट्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल आपको करवा दिए जाएंगे। और दोस्तों हिंदू न्यूज़पेपर भी देख लिया करो, मैं डेली हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियोज़ बनाता हूँ इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो जब तक आप इसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं कराओगे कि रियल लाइफ में क्या क्या अमेंडमेंट्स हो रही हैं, आप बताऊँ GIC को लेकर अमेंडमेंट्स हुई हैं कई सारी, और मैंने आपको बताया था ये आपकी अगस्त महीने में हुई थी अराउंड, ये बात है आपकी 2 से लेकर 9 अगस्त के बीच में GIC के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ आई थी और मैंने सारी न्यूज़ कवर की थी हिंदू न्यूज़पेपर में। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर भी साथ के साथ करने पड़ेंगे, वरना ये सारी बुक बेकार हो जाएगी आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। ठीक है, आई होप आप मेरी बात बिल्कुल मानोगे। और ये सारे के सारे हिंदू न्यूज़पेपर की जो सीरीज़ है वो हमारे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पर आती है, आप उसको भी पैरेलली सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, और आज का टारगेट क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया तो हमारी जो प्रथा है उसके हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।